हे गाइस नमस्ते, जय हिंद। तो आई होप कि आज मार्केट में आप लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा। मैं बार बार आप लोग से बोल रहा था कि बजट का लो कटेगा निफ्टी में, बजट का लो कटेगा निफ्टी में, जो आज कट गया। अब अगला क्या स्टेप होगा इसके लिए मैं लाइव सेशन आप लोग से बताऊंगा, दिखाऊंगा भी और आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है। तो लाइव सेशन में आना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखो वीकली एनालिसिस जो भी जा रही है उसका इंपैक्ट मंडे को पड़ेगा, और मंडे को जो मेजर मूव होता है उसका लाइव सेशन में आपको हम अपडेट कर सिखा दिया करेंगे, ठीक ना। तो अब आप लोगों को ये ड्यूटी है कि आप डेली सेशन में आए, सीखें और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करें, ठीक है। आज मैं एक स्टॉक्स पे डिस्कस करूंगा, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, एक सिंगल लेग के बारे में कि सिंगल लेग का मूव कैसा होता है। और ये स्टडी जो दे रहा हूं आपको ये आपके स्टडी पर्पस है, मतलब आप इसको अपने चार्ट पे भी उतारेंगे भी और इसको सीखेंगे, ठीक ना। देखो अगर अब हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 का मतलब हुआ कि जैसे कोई एक्सटेंशन जो चलता है, मैं वीकली टाइम फ्रेम लिया हूं, एक्सटेंशन की बात करता हूं, तो जनरली एक्सटेंशन जो है ना बाई प्रोजेक्शन उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब उसको आप ट्रेंड लाइन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके लिए एक अदर से भी ऑप्शन है। मतलब अगर कोई चीज फाइव है जो इम्पल्स होता है उसका फाइव मूव जो है होना चाहिए, ये कंपल्सरी रूल है। लेकिन अगर इस फाइव के बाद भी और भी एक्स्ट्रा मूव हो तो कितना मूव हो सकता है, तो चार मूव जो है और एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक ना। तो और चार के मतलब हो गया ये 9 मूव हो गया, इसी तरह चार और करोगे तो कितना हो गया, ये 13 मूव हो गए। तो जो एक्सटेंशन का जो मूव होता है वो इसी तरह 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 इस तरह का जो मूव है वो इस तरह से एक्सटेंशन का प्राइस जो है बढ़ता जाता है। अब कंडीशन यहां पर ये होना चाहिए कि जितने भी एक्सटेंशन के मूव हैं, जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो ये 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट हो गया, और थर्ड की बात करते हैं तो 1, 2, 3 थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट है, तो जितने भी एक्सटेंशन के मूव हो रही है वो अपना 127%, जैसे कि मान लो कि जो एक्सटेंशन बढ़ रहा है मतलब ये एक्सटेंशन का टॉप लगा, तो ये भी क्राइटेरिया है कि ये 127% के रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर ये 127% के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये एक्सटेंशन नहीं है, ये किसी करेक्शन का या फिर किसी बी के पार्ट का सब डिवीजन पार्ट हो सकता है, इंपल्स नहीं है। कोई भी टॉप हो या एक्सटेंशन का मतलब कोई पार्ट हो, अगर वो 127% के रूल को फॉलो नहीं करता है तो वो क्या है, एक्सटेंशन नहीं है, वो क्या है, सब डिवीजन, ठीक है। तो आज मैंने आपको सब डिवीजन के बारे में बताया आपको। अब इसमें क्या है कि 13 मूव आने के बाद जो है प्राइस जो है कंटिन्यू ब्रेक हो रहा, कंटिन्यू जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा है और एबीसी के नेचर में आ रहा है। तो ये कहा जाता है कि कोई भी प्राइस अगर 13 मूव या 17 मूव या 21 मूव का होता है तो उसका जो मिनिमम मैक्सिमम जो फॉल आता है वो 38.2% आता है, मैक्सिमम फॉल 38.2% आता है, और 50% जो होता है वो रेयर होता है। ये ध्यान रखना, 50% रेयर क्यों होता है, इक्विटी मार्केट में 50% नहीं आता, ये कमोडिटी मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में आता है, इस चीज को नोट कर लेना आप लोग। तो अब क्या करेंगे, इक्विटी मार्केट में 38.2% का जो लो लगने वाला है वो 412.85 रुपए, मतलब 41285 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। आपको क्या करना है कि आप इस प्राइस को यहां पर आता है तो आपको वेट करना है कि कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है डेली के टाइम फ्रेम पर, सॉरी वीकली टाइम फ्रेम पर, कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है इस 38.2% पर तो आपको क्या करना है, यहां पर लॉन्ग लेना है, ठीक है। आप यहां बाई कर सकते हो, जैसे ही आप बाई करते हो यहां पर आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ध्यान रखना, तो इसलिए मैं आपको 100% का मतलब 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, 309 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो बहुत लाइट लेना, मतलब आप इतना लाइट लेना कि अगर 100 रुपए नीचे भी आ रहा है तो आप उसको मैनेज कर सके, ठीक है। अगर मान लो कि यहां से रिवर्स करना शुरू करता है तो क्या करोगे, ध्यान देना। अब क्या करना है कि ये आपका इंपॉर्टेंट हाई हो गया, मैं बार बार आपको बताया हूं ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंट हाई हो गया, और एक जो सेकेंड डिग्री बनेगा इस सेकेंड डिग्री का आपका क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लो हो जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट हाई, ये आपका इंपॉर्टेंट लो, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट हटेगा नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि रिट्रेसमेंट को वो करना है, चेंज करना है, ये आपका हो जाएगा 100% और जहां पर ये बनता है ये हो जाएगा 0%, ठीक ना। तो अब जब रिट्रेसमेंट डालोगे तो प्राइस कहीं ना कहीं इसको इसको इस पर जाके क्या करेगी, क्लस्टरिंग करेगी, क्लस्टरिंग करेगी,
तो क्लस्टरिंग जब करेगी ना तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है 38.2% के आसपास का जो हाई लगेगा जब आप रिट्रेसमेंट डालोगे, तो यहाँ पर आपको इसको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान, इस चीज को दिमाग में रखना कि कैसे मैंने इसको आपको कैलकुलेट करके बताया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज को फॉलो करोगे, इसको लगाओगे। अगर लगाने के बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है, ताकि मैं इसको लाइव फिर से आपको अपडेट कर दूं कि कैसे इस पर लगेगा, कैसे इसमें अपडेशन आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर सब डिविजन के बारे में बताया है और इंपॉर्टेंट हाई इंपॉर्टेंट लो के बारे में बताया है और कैसे कोई एक्सटेंशन का प्राइस ब्रेक होता है तो उसका हाई कितना लगता है, कितना इसमें कितना इक्विटी में लगता है, कितना कमोडिटी में लगता है, कितना फॉरेक्स में लगता है, लो डिग्री में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।